गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं शान सर। स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब फेसबुक के लाइव कंप्यूटर क्लासेस थे वीडियो क्लासेस में। जैसे कि आप सभी छात्र जानते हैं कि मैं डेली बेसिस में आप सभी के बीच डिफरेंट टाइप्स के कोर्स लेकर उपस्थित रहता हूं, और इसी कड़ी में आज की जो हमारी क्लास होगी वो एमएस एक्सेस के विषय में होगी। एमएस एक्सेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होती है डीबीएमएस का, डाटाबेस मैनेजमेंट फाइल का। तो किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट फाइल का उपयोग हम किस लिए करेंगे, आज हम एमएस एक्सेस में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, एमएस एक्सेस को आप ऑन कर लें। एमएस एक्सेस को आप जैसे ही ऑन करते हैं तो आपके बीच में इनएक्टिव डायलॉग बॉक्स खुल जाती है एमएस एक्सेस की। आप देखेंगे स्क्रीन में कि ब्लैंक डाटाबेस है, यहाँ से आप क्या करें, ब्लैंक डाटाबेस में क्लिक करें। तो जैसे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में ब्लैंक डाटाबेस का यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका फाइल नाम, तो आप यहाँ पे कुछ भी फाइल नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुकू दे रहे हैं। कुकू देने के बाद जैसे हम क्रिएट करेंगे तो हमारा जो डाटाबेस फाइल है वो कुकू नाम का बन जाएगी। और वो आप कैसे देखेंगे कि टाइटल्स पार में ऊपर में आप देखेंगे कि कुकू नाम का एक डाटाबेस एक्सेस फाइल है। ठीक है, अब क्या करना है कि मुझे एक डाटाबेस फाइल क्रिएट करना है। इसके लिए क्या करना होगा कि टेबल्स में सेलेक्ट करेंगे और व्यू के अंदर जाएंगे और व्यू के यहाँ से डिजाइन व्यू को सिलेक्ट करेंगे। और जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि टेबल वन, यानी कि टेबल का नाम, तो आप टेबल वन ही रहने दें और ओके में क्लिक करें। आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक आपके समक्ष आ जाएगा फील्ड नेम एंड डाटा टाइप्स। आप इसमें क्या करने हैं, आप चाहें तो इस रो को रिमूव कर सकते हैं राइट क्लिक कर डिलीट रो। जैसे ही राइट क्लिक करके अगर डिलीट रो में क्लिक करते हैं तो ये आपका रो जो है डिलीट हो जाएगा, यस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फील्ड और डाटा टाइप्स को बनाना है। तो फील्ड नंबर में हमको क्या रखना है, सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, साइंस, सोशल साइंस, टोटल, परसेंटेज, डिवीजन। अब देखिए मैंने फील्ड बना लिया। फील्ड टाइप में आपको क्या करना है, यहाँ से डाटा टाइप्स को सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए कि आप सीरियल नंबर जो होगी वो आपका नंबर पे, किस पे, नंबर पे, क्योंकि हम क्या करते हैं नंबर पे हम देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम जो है टेक्स्ट पे रहेगी। उसके बाद यहाँ पे जो हम डालेंगे सारा चीज नंबर पे होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी टैक्स हम लोग लेते हैं वो नंबर पे, आप देख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फील्ड को सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझेंगे आप, और हम डिवीजन को क्या कर रहे हैं, टैक्स में ही रहने दे रहे हैं। और यहां से क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे और यहां से एस करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू वॉन्ट टू सेव एंड चेंज द डिजाइन ऑफ टेबल्स, तो हम यहाँ पे एस करेंगे। जैसे ही एस करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, टेबल वन दिखाई देगा। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो जो आपने फील्ड दिया वो फील्ड आपके बीच आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो फील्ड मैंने बनाया इस फील्ड में आपको एंट्री करना है। मान लीजिए सीरियल नंबर वन, नाम में रोहित, आप उसका परसेंटेज दे सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं। हम सारा मार्क्स को फिल कर रहे हैं यहाँ पे। आप क्या करें कि जितने भी फील्ड है कम से कम मिनिमम आप 10 स्टूडेंट का फील्ड तैयार करें और टोटल परसेंटेज डिविजन को छोड़ दें। ऐसे करते हुए आपको सारी फील्ड, आपके जितने भी स्टूडेंट है रिकॉर्ड्स आप इनपुट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मैंने फील्ड बनाया उसी फील्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डाटा को इनपुट कर रहे हैं।
तो मैं सभी छात्र से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर मेरी MSFCS की क्लासेस कंप्लीट देखनी है तो मेरी सारी क्लासेस अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। खुश रहें आप, आपका परिवार। दुआ में याद रखिए आपका सांसद। जय हिंद, जय भारत।